उनका काम है डराना, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। तक भैया जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। देवेंद्र यादव के गिरफ्तारी के बाद से पूरे छत्तीसगढ़ में लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनका लगातार ये कहना है कि देवेंद्र यादव को गलत तरीके से गिरफ्तारी किया जा रहा है। इस वक्त हम भिलाई के सिविक सेंटर में मौजूद है और यहाँ भी युवा कांग्रेस की ओर से मशाल रैली निकाली गई है। हम आपको बता दें कि बड़ौदा बाजार मामले को लेकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई थी, जिसके बाद से पूरे प्रदेश भर में लगातार विरोध किया जा रहा है। भैया जिस तरह से निकम्मी नकारी सर भाजपा सरकार और पुलिस की फलतियों को छुपाने के लिए जिस तरीके से इन्होंने हमारे निर्दोष विधायक देवेंद्र यादव को और हमारे निर्दोष युवा कांग्रेस और NSYI के साथी जो हैं और कुछ सतनामी समाज के जो निर्दोष साथी हैं उनको, जिनको बेवजह ये दमनकारी सरकार दमनकारी तरीके से जिस तरीके से हमारे लोगों को अंदर किया है, उसके विरोध में आज सारे युवा कांग्रेसी साथी आज मशाल रैली करने उपस्थित हुए हैं। क्या मानते हैं कि उनको लेके गए और शॉर्ट नोटिस में लेके गए और अभी तक बेल उनकी लगातार खारिज हो रही है? सर मानना ये है कि उनका सिर्फ दबाव बना के इन लोग चल रहे हैं। इनके पास कोई भी एक तरीके से प्रूफ नहीं है, ना एविडेंस है कि हमारे नेता ने और उन सतनामी समाज के लोगों ने उसमें कुछ भी कार्रवाई की है। मैं भी देवेंद्र का नारा लगा रहे, इसका मतलब है? इसका मतलब सिद्ध है सर कि आज हमारे जैसे लोगों के लिए देवेंद्र भैया जो एक आवाज़ बन करके निकले हैं, जो वो अपनी एक बलिदान देकर के आज वो अंदर हुए हैं, उनको बैठाया गया, उसके लिए आज सारे सैकड़ों युवा अपने घर से निकल करके ये बताना चाह रहे हैं कि आप अगर किसी एक देवेंद्र को बैठाओगे तो उन्होंने ऐसे कई लोगों के अंदर दिलों में ऐसा डाल दिया है कि सैकड़ों युवा निकल करके आएंगे और बताएंगे कि मैं भी देवेंद्र हूँ, मुझे भी आप अंदर करिए। देवेंद्र यादव। तो देखिए युवा कांग्रेस की ओर से बड़ी बात कही जा रही है। हम आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में लगातार देवेंद्र यादव के पक्ष में इनके समर्थकों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ देखिए भिलाई के सिविक सेंटर में जो है मशाल रैली निकाली गई है, बड़ी मशाल रैली आप देख सकते हैं। मेरे पीछे लोग जो है लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विजुअल के माध्यम से हम आपको दिखाएं तो यहाँ लोग जो है तरह तरह के पोस्टर रखे हुए हैं। देखिए लोकतंत्र की हत्या बंद करो, विष्णुदेव साय हाय हाय, और मैं भी देवेंद्र हूँ, तरह तरह के ये पोस्टर हाथ में रखे हुए हैं। फिर आज देखिए कि एक बड़ी तादाद में लोग यहाँ पे युवा कांग्रेस के लोग मौजूद हैं और भिलाई के सिविक सेंटर में एक अनोखा विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि 17 तारीख को देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी हुई थी। अब बड़ौदा बाजार पुलिस मौके पर पहुंचकर देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी की गई थी। उस समय भी देवेंद्र यादव के समर्थकों ने बड़ी तादाद में विरोध प्रदर्शन किया था। अब देख सकते हैं मशाल लेकर युवाओं के द्वारा लगातार जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। साथ ही साथ वो लिखे हैं कि विष्णु देव साय हाय हाय और तमाम तरह की बातें कही जा रही है। देखिए हम आपको बता दें इस वक्त की बड़ा अपडेट दे रहे हैं कि युवा कांग्रेस की ओर से दुर्ग के सिविक सेंटर में एक बड़ा मशाल रैली निकाला गया है। क्या लग रहा है देवेंद्र यादव कब तक चूक पाएंगे, क्या जानकारी मिल रही है? जिस तरीके से भैया आप देख रहे हैं कि ये लोग रिमांडिंग में ले रहे हैं, वो तो न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि भैया कब चूकेंगे। जिस तरीके से इन लोगों ने हमारे निर्दोष विधायक देवेंद्र यादव जी के ऊपर और हमारे कांग्रेस के साथी समर्थकों के ऊपर और हमारे सैकड़ों
कांग्रेसियों के ऊपर जो इन लोगों ने बर्बरता से जो कार्रवाई की है उसके ऊपर हम सारे साथी आज इकट्ठा हुए हैं और उनके लिए तो कड़ा विरोध करते रहेंगे। देखिए बीते दिन जो है लाठीचार्ज की कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की गई थी, क्या लगता है फिर भी आप जो है विरोध प्रदर्शन छोड़े नहीं है, क्या लगता है किस तरह से? देखिए इनका काम है डराना, लेकिन कांग्रेस पार्टी कभी डरने वाली नहीं है। इन्होंने बर्बरता से लाठीचार्ज किया है हमारे लोगों के ऊपर, जो कि इन्होंने पूरा पूरी तरीके से टूटने के प्रयास किए हैं, लेकिन इसका करारा जवाब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस चीजों को भूलने वाली है, ये बिल्कुल याद रखा जाएगा। और साथ ही साथ देवेंद्र यादव को बिहार का बड़ा दायित्व दिया गया है अभी, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? सीधा सीधा पार्टी ने संदेश दिया है कि पार्टी अपने किसी भी कार्यकर्ता को छोड़ने वाली नहीं है। आप कितने भी जुल्म कर लो, कितने भी उनके ऊपर आरोप लगा दो, पार्टी उनके साथ खड़ी थी, खड़ी है और खड़ी रहेगी। सीधा सीधा संदेश है भविष्य के लिए। तो देखिए ये जो है युवा कांग्रेस के युवाओं की ओर से लगातार देवेंद्र यादव रिहाई करो और गलत तरीके से देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी को ये बता रहे हैं, साथ ही साथ लगातार भिलाई दुर्ग शहर में शुरू से ही विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। फिलहाल देखने वाला विषय होगा कि देवेंद्र यादव कब जेल से छूटते हैं। और इस वक्त हम आपको बता दें कि बीते दो दिन पहले देवेंद्र यादव को बिहार का जो है प्रभारी बनाया गया है, एक बड़ा दायित्व पार्टी की ओर से उनको दी गई है, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर उनको सचिव बनाया गया है। फिलहाल देखिए लगातार युवाओं के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथ में जो है मनखे मनखे एक समान बाबा घासीदास का फोटो आप रखे हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? जी हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जिस तरह से देवेंद्र भैया को झूठी साजिश के तहत जेल में बंद किया गया है, उन्होंने सतनामी समाज का साथ देते हुए वो अपने ऊपर एक तरह से जुल्म को सहते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। हम भी देवेंद्र भैया के साथ हैं, हम भी उनके साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। अभी क्या रणनीति है, कितने दिन तक ये सिलसिला विरोध प्रदर्शन का जारी? ये जब तक भैया जेल से रिहा नहीं होंगे तब तक हमारा प्रदर्शन चालू रहेगा। कुछ दिन पहले जो है लाठी चार्ज भी हुआ था विरोध प्रदर्शन के दौरान, तो इसमें 150 लोगों को जो है आरोपी बनाने की भी जानकारी सामने आई थी, क्या लगता है क्या हो रहा है? यह सरासर गलत हो रहा है। यह विष्णुदेव साय जी की सरकार जो है एक तरह से एकदम एकाधिकार जो अपना छत्र अपना राज चलाने के लिए है, वो हम जो गलत हो रहा गलत को देख नहीं रहे, एक तरफा राज चला रहे, जो हम सही है वही सही है, जो हम कर रहे वही सही है, ऐसा वाला हिसाब से। तो क्या लगता है क्या गिरफ्तारी के बाद देवेंद्र यादव की छवि में कोई परिवर्तन आएगा, आप क्या मानते हैं? जी छवि में परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, तभी तो हम लोग हैं साथ में। आप एक आम नागरिक से पूछिए कि उनके साथ गलत हो रहा है कि सही हो रहा है, ये जानकारी आपको आम नागरिक देगा। जो बड़े नेता रहेंगे वो जो बीजेपी के नेता रहेंगे वो यही बोलेंगे कि वो गलत है। तो क्या इस गिरफ्तारी से सकारात्मक परिवर्तन आएंगे या नकारात्मक? सकारात्मक परिवर्तन आएंगे, इसलिए हम लोग अपने स्तर की लड़ाई लड़ रहे हैं और आखिरी दम तक लड़ते रहे। तो देखिए देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी पर जो युवा कांग्रेस के नेता हैं वो कह रहे हैं कि देवेंद्र यादव पर इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।